हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है, उन बच्चों के लिए है जो अभी ट्वेल्थ पास आउट करके जेई और आईआईटी की तैयारियों में जुटे हुए थे और अब काउंसलिंग का वक्त आने वाला है। मतलब उनके दिमाग में इस समय बवंडर मचा हुआ है, कोहराम मचा हुआ है। और ये वीडियो उनके पेरेंट्स के लिए भी काम का है, क्योंकि काफ़ी आँखें खोल देने वाला वीडियो होने वाला है और काफ़ी दिमाग खोल देने वाला, क्योंकि मैं पर्सनल अपने एक्सपीरियंस को इसमें शेयर भी करूँगा किस तरह से इस चीज़ से, क्योंकि इस तूफान जो कि अभी मानसिक तूफान सबके अंदर चल रहा है उससे कैसे पार पाया जा सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो स्पेशली जो बच्चे अभी इस तरह की तैयारियों में लगे हुए हैं और अभी उनकी रिजल्ट भी आने वाला है, काउंसलिंग भी होने वाली है, सब कुछ होने वाला है, एग्ज़ाम्स भी आईआईटी का होने वाला है, तो आप सबके जब रिजल्ट आएंगे तो आप और काउंसलिंग होगी तो चार कैटेगरी में आप सबके रिजल्ट फाल होंगे। पहली कैटेगरी तो उनकी होगी कि जिनको मनपसंद कॉलेज और मनपसंद ब्रांच मिल गई, उनके तो बल्ले बल्ले हैं, वो तो चार साल मस्ती से पढ़ेंगे और जो भी अपना बनाएंगे कैरियर वगैरह। और दूसरी कैटेगरी आएगी जिनको कॉलेज तो मनपसंद मिल गया लेकिन ब्रांच मनपसंद नहीं मिली, ये दूसरी कैटेगरी के लोग। तीसरी कैटेगरी के आएंगे जिनको ब्रांच मनपसंद मिल गई लेकिन कॉलेज मनपसंद नहीं मिला। और चौथी कैटेगरी में आएंगे जिनको ना ब्रांच मनपसंद है ना कॉलेज मनपसंद है उनको, लेकिन उनको इंजीनियरिंग करना थी तो भैया एडमिशन ले लिया। हो सकता है उनका लक्ष्य कुछ और हो कि भाई आगे जाके आईएएम की तैयारी करना है, आईएएस की, पीएससी की, या कोई बिजनेस करना है, तो उनका लक्ष्य अलग हो तो उनको खाली बिजनेस करना है या कुछ भी करना है तो कोई भी ब्रांच चलेगा, कोई भी कॉलेज चलेगा, उनको इंजीनियरिंग का वो चाहिए भाई कि ग्रेजुएट इंजीनियरिंग होना, ठीक है। अब जिन ऊपर फर्स्ट वाली कैटेगरी में जिनको मनपसंद ब्रांच भी मिल गई, कॉलेज भी मनपसंद मिल गया, वो तो अपना पूरा फोकस उनका पढ़ाई में है, उनको कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो सेकंड और थर्ड कैटेगरी के लोग हैं जिसमें 90% लोग आएंगे, खाली 10% ही लोग हैं जिनको अपना पसंद की चीज़ें मिल जाएंगी और बाकी के 5-10% जिनको कोई सा भी चलेगा, बाकी तो 80-85-90% तो इसी कैटेगरी में आएंगे जिनको या तो कॉलेज पसंद का नहीं मिला या ब्रांच पसंद की मिली नहीं मिली। तो अब वो क्या होगा कि ना चार साल उनके दिमाग में ये टेंशन रहेगा, एक प्रॉब्लम रहेगा दिमाग में, अरे यार कि हमको यार ये हो जाता तो वो होता, अच्छा होता वो हो जाता तो अच्छा होता। तो मेरा स्पेशल उन लोगों के ऊपर फोकस रहेगा इस वीडियो में कि भाई अब आपको ब्रांच मिल गई, अब आपको पढ़ना तो पड़ेगा, एक बार सेलेक्ट कर लिया अंदर घुस गए तो पढ़ना तो पड़ेगा, कॉलेज की फीस भी जा रही है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सब लोगों ने क्या सोच लिया है कि भाई हमको सीएस मिल जाए। तो ये बताओ कि दुनिया में इतने तरह की स्ट्रीम है, यहाँ पर इतने सिविल इंजीनियरों की भी ज़रूरत है, मैकेनिकल इंजीनियरों की भी ज़रूरत है, पेट्रोलियम इंजीनियर की भी ज़रूरत है, बहुत सारे ब्रांचेस में मेडिकल इंजीनियरों की ज़रूरत है, सब सीएस जाके वहाँ थोड़ी ना काम करेंगे, दूसरे इंजीनियरों की भी तो ज़रूरत है। दूसरी बात, सबके दिमाग में एक और चल रहा है कि मिथ के सीएस वालों को सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है। अरे आप अगर सही स्कोप ढूंढ लें अपने लिए तो आपको भी पैसा ज़्यादा मिलेगा, भले आप किसी भी ब्रांच के हों, आप किसी भी ब्रांच से पढ़ रहे हो, चाहे मेडिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, आपने अगर अपने लिए सही जगह ढूंढ ली तो आपको पैसा सीएस वालों से भी ज़्यादा मिल जाएगा, ये मैं कह रहा हूँ आपको। मेरा खुद पेट्रोलियम इंजीनियर है और मेरे को सीएस वालों से भी अच्छा पैसा मिल रहा है, जो आज की तारीख में जो सीएस वाले निकल रहे हो, नए नए जा रहे हैं और लोगों ने बस अपना फिक्स कर लिया कि भाई हमको तो सीएस ही होना। अरे ये देखिए, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग करके मैं स्लम बर्जर के साथ काम कर रहा हूँ, 10-12 देशों में काम कर चुका हूँ मैं, हजारों लोगों को मैंने अपनी लाइफ में देखा है, हजारों लोगों को स्टडी किया हुआ है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आपके पास में नॉलेज होना ज़रूरी है, कोई सी भी ब्रांच का हो, अगर आपका नॉलेज तगड़ा है ना, आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, बढ़िया काम मिल जाएगा, बढ़िया पैसा मिल जाएगा। क्योंकि नॉलेज तगड़ा होगा तो आप लोगों को पकड़ पाओगे, कंपनी को पकड़ पाओगे, कंपनी का जब आपका इंटरव्यू होगा तो आप उन चीज़ों को पकड़ पाओगे कि उन लोगों को क्या चाहिए, मैं वो प्रोवाइड करूँगा। आपका नॉलेज आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ा देता है कि आप किसी भी स्ट्रीम में अच्छे जॉब और अच्छे पैसे वाले जगह पर घुस सकते हो। अब आपको लग रहा है कि यार मेरा तो कॉलेज गलत मिल गया, तो कॉलेज गलत मिल गया तो ये बताओ कि तुमको कॉफ़ी पीना है, आप कॉफ़ी तुम कांच के गिलास में पियो या चीनी के गिलास में पियो या स्टील के गिलास में पियो, आपको तो कॉफ़ी पीने से मतलब है ना, मतलब आपको तो अपनी डिग्री लेने से मतलब है ना, कि आपको ब्रांच तो आपकी मनपसंद मिल गई,
अब आपको कॉलेज कोई सा भी मिले, आप पढ़ाई अच्छे से करो ना, एक बार आप किसी भी जॉब में घुस गए ना, कोई नहीं पूछता कि आपका कॉलेज कौन सा है। पहली नौकरी में जरूर आपका पूछेगा थोड़ा बहुत कि भाई कॉलेज कौन सा है, पर एक बार अगर आपने अपने नॉलेज का झंडा गाड़ दिया और एक नौकरी आपने कर ली, उसके बाद अगले साल आप जब स्विच करोगे किसी भी कंपनी में, कोई नहीं पूछने वाला कि किस कॉलेज में पढ़ते हैं। मैं अभी 8-10 नौकरियां बदल चुका हूँ, मेरे से अब कोई नहीं पूछता कि कौन से कॉलेज में पढ़े हो, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े हो, जरूरत ही नहीं पड़ती है। जैसे वो सीवी देखता है और यहाँ यहाँ जगह काम कर रखा है, इतने देशों में काम कर चुका है, इतनी कंपनियों के साथ काम कर चुका है, सीधे बात करते हैं आपको पैसा कितना चाहिए, कुछ भी नहीं पूछते इंटरव्यू में। वो सब जो आते हैं ना तरह के इंटरव्यू के वीडियो, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ऐसा पूछेंगे, वैसा वैसा कुछ नहीं पूछते हैं। आजकल सबको मालूम है कि हर आदमी जो इतना पढ़ के आया है, 4 साल उसने इंजीनियरिंग करी है, उसने हर तरह का स्टडी लेवल देखा हुआ है, वो किसी भी लेवल पे कॉम्पीट कर सकता है, किसी भी लेवल पे काम कर सकता है। आप जिन्हें जो कॉलेज में पढ़ाई करी है 4 साल, वो एक्चुअली आपके माइंड को ट्रेंड किया जाता है, एक तरह से आपके माइंड का ट्रेनिंग है कि आप किसी भी परिस्थितियों में किसी भी सब्जेक्ट के साथ में किसी भी नॉलेज को आप एक्वायर कर सकते हो, उसकी ट्रेनिंग होती है। आपने जो कॉलेज में पढ़ा है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि 95% आप जो काम करोगे वो आपको काम आएगा ही नहीं। मैंने खुद जो मिनरल एक्सप्लोरेशन में जो पढ़ा हुआ था, उसका 5% ही मेरे जॉब में काम आता है, 95% तो यहाँ दूसरी चीज़ें। आपको सिर्फ अपना माइंड को ट्रेंड करना है। आपको कॉलेज में दो तरह की लर्निंग करना है, कॉलेज कोई सा भी हो, ब्रांच कोई सी भी हो, अगर आपको पसंद की मिल गई सो फार सो गुड, नहीं पसंद की मिली तो भी आपके माइंड को दो तरह से ट्रेंड होना है। पहला तो वो जो क्लास के अंदर जो आपको सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाया जाएगा, और क्लास के बाहर दूसरा वो जो क्लास के बाहर जो आपको दुनिया से सीखना पड़ेगा। अभी तक तो आप अपने घर में थे, कंफर्ट जोन में थे, टाइम पे खाना मिल रहा है, कपड़े धुल के प्रेस होके मिल रहे हैं, सब कुछ चकाचक मिल रहा है। अभी आप जाओगे तो कपड़े भी खुद ही धोना है, अभी तो आपको रात को 2 बजे खाना चाहिए तो 2 बजे भी मिल जाएगा, लेकिन अब वहाँ पर क्या होगा, मेस का जो टाइमिंग होगा उस हिसाब से खाना मिलेगा, आपको टाइम से उठना है, टाइम से कॉलेज जाना है, पूरी जिन आपको लाइफ एकदम शेड्यूल्ड हो जाएगी। ये बहुत ज़रूरी है सीखने के लिए, बहुत काम आता है ज़िंदगी में ये चीज़ आपको पढ़ाई से भी ज़्यादा काम आती कहीं जगह, कि आपकी जो एक लाइफ की शेड्यूल बन जाता है और आप एक खास डिसिप्लिन में जीना सीख जाते हैं, वो हर जगह काम आता है, हर जगह काम आता है। किसी भी कंपनी में जॉब कर लो, ये तो 100% हर जगह काम में आएगा। क्लास में जो पढ़ा है वो 5% ही काम आए भले ही, ये हर जगह काम आएगा जो आप कॉलेज में जाके बाहर की दुनिया से सीखोगे, प्लस आप बाहर के लोगों से सीखोगे, हजारों लोगों से आप बातचीत करोगे 4 साल में, बहुत तरह के लोगों से मिलोगे, तो आपको लोगों के साथ डील करना आ जाएगा। अभी तक तो हम घर में अपने माता पिता की छत्र छाया में जो भी लोगों से मिलते थे उनके थ्रू मिलते थे, तो आपको एक अलग तरह से बात करना होती थी एक बच्चा बनके, पर अब यहाँ पर अब आपको एक हीरो के रूप में बात करनी कि आप भाई कुछ करके आए अपनी ज़िंदगी में, अब आपको आगे भी करना है। तो ये 4 साल में आपको क्लास के अंदर प्लस क्लास के बाहर दोनों जगह सीखने मिलेगा। अभी तो घर में ये होता था कि भाई आपको कहीं जाना है तो आपकी मर्जी पूछी जाती, आपके पास टाइम है कि नहीं, लेकिन वहाँ सब कुछ टाइमिंग का खेल हो जाएगा और आपको उसी 24 घंटे में आपको सोना भी है, खाना भी है, अपना खाना भी मैनेज करना है, कपड़े भी धोना है, प्लस आपको पढ़ाई भी करना है और अपना होमवर्क भी मैनेज करना है, और प्लस ये बाहर की दुनिया के साथ में इंटीग्रेट भी करना है, आपको हर चीज़ में आपको बैलेंस बना के भी चलना है। थोड़ा मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल रहेगा, लेकिन बहुत काम भी आएगा। हमारे माइंड को जितना अनकम्फर्ट जोन मिलता है ना, माइंड उतना शार्प होता जाएगा। ये 4 साल में आप पढ़ाई से तो शार्प होंगे, आपके माइंड को जो ट्रेन किया जाएगा पढ़ाई के लिए उससे तो शार्प होंगे, जो बाहर जो सीख रहे हैं ना उससे भी माइंड में शार्पनेस बहुत बढ़ जाएगी। दुनिया में कहीं पर भी आप है ना जंग जीतने लायक हो जाएंगे। तो असली जो लड़ाई है ना, वो इन 4 सालों के बाद आपके सामने आएगी। अभी तो आप ठीक है, आपको नंबर मिल गए, आपने कॉलेज में रजिस्ट्रेशन करवा लिया, ठीक है, 4 साल अब आपको एक ही लेवल पे काम करना है, आपको पढ़ना है और बाहर की दुनिया देखना है, पढ़ना है, बाहर की दुनिया देखना है। जब कॉलेज के बाहर निकल जाएंगे तब आएगी असली लड़ाई सामने, और तब असली लड़ाई आएगी, तो उसमें जो आपने पिछले 4 सालों में संघर्ष करके जो सीखा है ना कॉलेज में, वो आपको काम आएगा। और जितना आपने संघर्ष वहाँ किया ना, उतना वहाँ यहाँ पर अब आपको लड़ाई आसान होने वाली, क्योंकि आपका माइंड पेना हो गया है। अब आप कंपनी से बात करोगे तो आप उस स्मार्टनेस से बात करोगे कि किस तरह से ज़्यादा पैसा आप कंपनी से खींच सकते हैं।
अब हमारी कंपनी में देख लीजिए, एक ही जॉब पर अलग अलग लोगों की सैलरी अलग अलग है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंपनी से डील इस तरह से करी, उन्होंने बार्गेनिंग इस तरह से कर ली। आपके पास में जैसा आपके पास में टैक्टिक्स आपने सीखी ना, जो वो काम आएंगी। आप अच्छी डील करिए और अपने नॉलेज का झंडा गाड़ के दिखाइए उनको कि देखिए मैं इस काम को इस तरीके से करा है, मैंने इसको ऐसा सीखा है, सब कुछ बताइए और एक बार काम करके बताइए। शुरू शुरू में बहुत ज़्यादा ऐसा मत सोचिए कि बहुत बड़ी सैलरी मिल जाएगी। लोग कहते हैं वो 1.25 करोड़ का पैकेज, 1.5 करोड़ का पैकेज कुछ एक लोगों को मिलते हैं, लेकिन क्या होता है कि उसके झापे में हर आदमी दौड़ रहा है बस कि मेरे को 1.25 करोड़ का पैकेज मिल जाएगा, मेरे को 1.5 करोड़ का मिल जाएगा। असलियत की होती है कि जब आप धरातल पर उतरते हैं ना 4 साल के बाद में, तब आपको देखते हैं कि कोई आपको 6 लाख की जॉब दे रहा है, कोई आपको 8 लाख की दे रहा है, कोई 10 लाख की दे रहा है, 12 लाख, 20 लाख, 25 लाख तक भी मामला जाता है, 30 लाख तक भी मामला जाता है। लेकिन आपको शुरू शुरू में अर्निंग पे नहीं, लर्निंग पे ध्यान देना है। अपन ने काम को अगर अच्छे से सीख लिया ना और कंपनी को भी दिखा दिया कि काम अच्छे से करता, तो या तो कंपनी खुद ही आपकी सैलरी बढ़ा देगी, और नहीं बढ़ाई तो जमाने भर की कंपनियां पड़ी हैं, आप स्विच करो ना फटाफट इधर से उधर। प्राइवेट जॉब में तो आप स्विच करते हो फटाफट तनख्वाह बढ़ती है, और वो भी देखते हैं कि हाँ इसने इतनी इतनी कंपनियों में काम कर रखा है, इसको तो काम करना आता है। जितनी ज़्यादा कंपनियों में आपने काम कर रखा है, वो समझ जाते हैं कि इसका माइंड उतना वर्सेटाइल है, उतने ज़्यादा लोगों के साथ में और उतने ज़्यादा कंपनियों के साथ में और उतनी डिफरेंट सिचुएशन में ये आदमी काम कर सकता है। तो कंपनी फिर क्या करती है, इंटरव्यू में सीधे फ़ोन पे पूछ लेती है, बुलाती भी नहीं कहीं इंटरव्यू के लिए, फ़ोन पे पूछ लेती है कितनी तनख्वाह लोगे भैया, आप बता दो इतने लोगे, अगर उनको देना होता है तो देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। आप अपना वैल्यूएशन खुद ही करिए कि आप कितना कर सकते हैं और कितना उनसे ले सकते हैं, इस चीज़ पर सैलरी डिसाइड होती है। फिर इस बात पर डिसाइड नहीं होती है कि आपने कौन से कॉलेज से पढ़ा है, आपने कौन सी ग्रेड लाए, ये करा, ये तो खाली पहली सैलरी में काम आएगा थोड़ा बहुत। एक बार आप कॉलेज के बाहर निकल गए फिर तो, और एक कोई नौकरी में पहुंच गए, फिर तो वह सारी चीज़ें आपके पीछे छूट जाती हैं कि आपने कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में या जो भी अपने ब्रांच में कितनी पढ़ाई की थी, कैसे पढ़ा था, कितने नंबर लाए थे, वो सब पीछे की बातें हो जाती हैं। करंट में जो कंडीशन होती है ना, उसके ऊपर आगे की बार्गेनिंग होती है। तो अपने दिमाग से तो पहले ये निकाल दो कि यार मेरे को पसंद की ब्रांच नहीं मिली। अगर बिना पसंद की भी ब्रांच मिल गई तो अब उसको सीखो और करो, उसमें भी बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे, पहली बात तो मैं ये कह रहा हूँ। और अगर आपको पसंद का कॉलेज नहीं मिला तो कोई बात नहीं, ब्रांच तो पसंद की मिल गई ना, तो अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दो और अपने इम्प्रूवमेंट पर ज़्यादा ध्यान दो, बजाय कि 4 साल रोने के कि अरे यार ये हो जाता तो वो अच्छा रहता, वो हो जाता तो। उसमें क्या होगा कि आपका माइंड जो है ना डायलेमा में घूम जाएगा, ना तो आप पढ़ ढंग से पाओगे, ना आप सीख ढंग से पाओगे, ना अपने सब्जेक्ट के साथ में इंसाफ कर पाओगे। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि हर ब्रांच में अच्छे स्कोप हैं, अच्छे पढ़ने वाले के लिए, अच्छा काम करने वाले के लिए दुनिया में अभी भी बहुत सारी वैकेंसियाँ खाली पड़ी हैं। अच्छा काम करने वाले के लिए कोई बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी केवल जो एक मीडियम क्लास के लोगों के लिए, जो एक ही जैसे नंबर लाते हैं, एक ही जैसा पढ़ते हैं, उन लोगों के लिए बेरोजगारी है। हमेशा क्रीम लेयर के लिए कभी कोई बेरोजगारी नहीं होती। आपको क्रीम लेयर में आना है, आपको कुछ भी पढ़ाई मिल गई, कोई भी ब्रांच मिल गई, कोई भी कॉलेज मिल गया, आपको वहाँ पर क्रीम लेयर में आना है, बस इतना ध्यान रखना है। अपनी पढ़ाई करो अच्छे से, अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करो, क्योंकि मेन तो आपका उसी पर रहेगा सारा दारोमदार कि आपने अपने आप को विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न लोगों के साथ में जूझना कैसे सिखाया अपने आप को। क्योंकि भाई साहब जब आप 4 साल बाद जब निकलोगे ना और दुनिया में आओगे ना, तो आपको इंटरनेशनल कमीनों से पाला पड़ेगा। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, मैंने खुद ही 10-12 देशों में काम किया है ना, मैंने हजारों इंटरनेशनल कमीनों के साथ में काम किया है, और किसके साथ कैसे डील करना है ये भी मेरे को उन्हीं लोगों ने सिखाया है। कि पहले मैंने थोड़ी ठोकरें खाई, फिर उनसे सीखा, कभी ये इंटरनेशनल कमीनों को कैसे डील करते हैं इस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो ये मैं वर्ड जो लाए ना इंटरनेशनल कमीने, क्योंकि मैं काम करता हूँ, कभी किसी एक कंट्री के साथ में काम कर रहा हूँ, कभी मैंने अमेरिका से लेकर रशिया, मिडिल ईस्ट, इंडिया, हर जगह काम किया है, और हर जगह मैंने बहुत सारी कंट्रीज के लोग एक साथ जो काम करते हैं, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज में काम किया मैंने हमेशा, तो अलग अलग कंट्रीज के लोग वहाँ पर काम करते हैं, तो उनके साथ में काम करते करते हर कंट्री का आदमी का एक अलग ईगो रहता है, एक अलग टेक्निक रहता है काम करने का, बातचीत का तरीका अलग रहता है, और धोखा देने का तरीका भी अलग रहता है। तो इस तरह से मैंने उन लोगों को शब्द दिया है इंटरनेशनल कमीने।
तो आपको उनसे जूझना भी है और उनके बीच में रह के काम भी करना है। ऐसा नहीं कि लड़ना है, उनसे खींचतानी करना है, नहीं नहीं, काम भी उनके साथ ही करना है और उनके प्रहारों से बच के भी रहना है। ये सब चीज़ें आपको सीखना है, ये सब आपको अपनी पर्सनैलिटी में लाना है और अपने आप को बेहद स्ट्रांग बनाना है। पढ़ाई तो करनी ही करनी है, साथ साथ अपने माइंड को बहुत स्ट्रांग बनाना है हर तरह की परिस्थितियों में रहने का है। कहीं पर खाना आपको ठीक से नहीं मिलेगा, कहीं पर रहना आपको ठीक से नहीं मिलेगा, कहीं आपका आपका मौसम आपके हिसाब से नहीं रहेगा, आपको कहीं ठंड ज़्यादा लगेगी, कहीं पर आपको गर्मी ज़्यादा लगेगी। लेकिन जब आप स्ट्रांग हो जाते हैं ना मेंटली, तो ये सारी चीज़ें बहुत छोटी छोटी हो जाती हैं। तो मेन आपको काम करना है अपनी पढ़ाई पर, और फिर उससे ज़्यादा काम करना है आपको अपने दिमाग पर, अपने खुद के स्ट्रेंथ पर, इनर स्ट्रेंथ पर। इसके साथ काम करें, पेरेंट्स भी अपने बच्चों को ये सब चीज़ें समझाएं कि ठीक है कोई भी ब्रांच मिल गया, कोई भी कॉलेज मिल गया, इसके ऊपर अब ज़्यादा रोना ना रोएं, अब ज़िंदगी में और आगे देखें कि क्या करना है, क्या कर सकते हैं। और यकीन मानिए, मेरी बात लिख के रख लीजिए, आपको बहुत अच्छे स्कोप मिलेंगे अगर आपने ये दो चीज़ें अपनी स्ट्रांग कर ली, पढ़ाई और पर्सनैलिटी। आपको हर जगह अच्छी नौकरी मिलेगी, किसी भी ब्रांच में हों आप, सबको अच्छे अच्छे काम मिलेंगे। और रोने वालों के लिए तो देखो दुनिया पड़ी है, वो कहीं भी जाएगा रोएगा, और लड़ने वालों के लिए भी दुनिया पड़ी, वो कहीं भी जाएगा लड़ेगा और जीतेगा। तो अपना माइंडसेट बना के रखना जीतने वाले का, लड़ाके का। तो बेहतरीन लड़ाके बन जाओ और जुट जाओ, जो भी सामने आए उससे अपने को आगे निकलना है। चलिए फिर कभी मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।